C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। गुड्डन और अक्षत की शादी का सच आया जिंदल परिवार के सामने। क्या गुड्डन साबित कर पाएगी कि वो है लायक बनने के लिए तीन बहुओं की सास? और क्या अक्षत कभी मान पाएगा इस शादी को? जानने के लिए देखना ना भूलिएगा 22 अक्टूबर को गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि क्या गुड्डन साबित कर पाएगी अक्षत के सामने कि वो है निर्दोष या पड़ेगा पासा उल्टा और खुलेगा एक बड़ा राज गुड्डन के सामने जो कर देगा उसे हैरान। कैसा रहेगा गुड्डन और अक्षत का ये अनोखी शादी का सफर? गुड्डन है हैरान जानकर कि अंतरा की मौत के पीछे है अक्षत का हाथ और आ पड़ी है गुड्डन पर तीन बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन जो है इंडिया की यंगेस्ट सास का ये अनोखा सफर? जानने के लिए देखते रहिए कि गुड्डन जो बन गई है इंडिया की यंगेस्ट सास पे आ पड़ी है अपनी तीनों बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन का ये अनोखा सफर ये जानने के बावजूद कि उसका पति अक्षत ही है अपनी खुद की पत्नी अंतरा का कातिल? क्या कभी जिंदल परिवार अपना पाएगा गुड्डन को अपने सदस्य के रूप में? जहाँ गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से, क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें एक घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में, जहां गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से, क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें एक घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन बनी है इंडिया की यंगेस्ट सास, तो शादी के बाद की रस्में भी होनी चाहिए ना खास। रस्मों भरा सप्ताह, नई सासू माँ की मुंह दिखाई ऐसे ही होगी। सर्गी की रस्में बेटा, मैं अपनी सासू माँ का करवा चौथ नहीं होने दूंगी। क्या गुड्डन से हो पाएगा? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि तीनों बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी रस्म? क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। तीनों बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी सुहागरात की रस्म? क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में? इस बालकनी जितना ही हक है तुम्हारा इस कमरे में, इसीलिए यहीं पर रहना। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। क्या होगा इस रस्म में जिससे दादी होंगी गुड्डन से नाराज और कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के करवा चौथ के शानदार एपिसोड में देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के करवा चौथ के शानदार एपिसोड में देखिए कि गुड्डन से हुई गलती जिससे हुई दादी उससे नाराज। अब कैसा होगा हमारी इस यंगेस्ट सास का करवा चौथ और कैसे पूरा होगा करवा चौथ का व्रत? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए शादी के बाद पहली दीपावली पर मिली गुड्डन को जिंदल परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या धनतेरस की पूजा पर गुड्डन दिया बनाकर करेगी नए रिश्तों की शुरुआत या फिर उसकी गलतियां देखकर अक्षत होगा नाराज? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए शादी के बाद पहली धनतेरस के शुभ अवसर पर सौंपी गई गुड्डन को जिंदल परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या धनतेरस की पूजा पर गुड्डन दिया बनाकर शुरुआत करेगी नए रिश्तों की या फिर उसकी गलतियां देख अक्षत होगा उससे नाराज? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। ये भगवान, ये सासू माँ क्या कर रही है? पगला गई है क्या? पगलाएंगी।
तो बढ़िया, लेकिन बेचारी मेरी छुटकी, उसकी तो हालत खराब हो गई है काम कर करके। लेकिन अब बस, और नहीं, अब से ना मैं छुटकी को कोई काम नहीं करने दूंगी। अब से तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगी, रानी की तरह। चांदी का सिक्का? अरे वाह कौशल्या, तेरी तो ऐश हो गई। आज तो खुद लक्ष्मी माँ तेरे ऊपर मेहरबान हो गई। अरे वाह कौशल्या, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्या बोलूं, दो दो सिक्के और एक सिक्का। इस दिवाली खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपके तीनों बहू हैं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ ताव पर लगने से? हारी हुई बाजी को जीत कर कैसे बचाएगी गुड्डा अपना घर, पति और तीनों बहुओं को? अगले हफ्ते देखिए कैसे तुलिका ने विवान को अपने वश में करने के लिए माही को अपना निशाना बनाया। तो उसके लिए मीरा को जीतना होगा। बस एक बार मीरा तुम्हारे वश में आ गई ना, तो समझ लो कि विवान तुम्हारे वश में ही है। मुझे समझ आ गया है माँ, इन्हें प्यार से कैसे मारना। कुछ तो वजह है जिसके लिए वो कोलकाता वापस खींचा चला आया। हमें पता ये लगाना पड़ेगा भाभी कि वो वजह क्या है। अगर वजह नहीं रहेगा तो शान यहाँ पे नहीं रुक सकता। अब देख लेना। वहां जाकर प्रज्ञा दी को मम्मा बोल दे जीरू के सामने, फिर पंडित जी की बात भी सच हो जाएगी। आरती करने वाली बहू इस घर में अपने पति के साथ हमेशा खुश रहेगी। इसका मतलब वो तुम हो जो लूथरा फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। पिताजी देखिए आप मेरी होने वाली पत्नी हैं, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। ओह शट अप, मैं और तुम्हारी होने वाली पत्नी कभी नहीं। यू ओनली डिजर्व दिस। रुक्सार अपने पुराने दिनों की बातें भूल गई, अब जो इनके सामने हो रहा है बस उन्हें वही याद है। रुक्सार कैसी है? साहिल और वेदिका की अनोखी प्रेम कहानी में शुरू हो चला है खुशियों का एक नया कारवां। कुछ नए किरदार और पुराने रिश्तों के बीच बढ़ रहा है एक तूफान, पर प्यार के इस सैलाब में क्या तूफान कर देगा इस तस्वीर को धुंधली, या सच्चे इश्क की ताकत के सामने झुक जाएंगे नापाक मंसूबों के काले तख्त? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में।